समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या बनाएं, तो ये हेल्दी और टेस्टी रेसिपी आपके लिए है जो कि झटपट बन के रेडी हो जाती है। इसको बनाने के लिए यहाँ पर ये मैंने एक छोटी सी लौकी ली है, कुछ गाजर ली है, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, इन सबको हम बारीक चॉप कर लेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपके पास जो भी वेजिटेबल हो आप उनका यूज इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने सभी वेजिटेबल को हम इस तरह से बारीक चॉप कर लेंगे या ग्रेट कर लेंगे। अब इसके लिए यहाँ पर ये मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें हम 1 कप सूजी ऐड कर देंगे। मैंने टोटल 1.5 कप सूजी का यूज किया है। 2 टेबल स्पून बेसन ऐड कर देंगे। इसमें अब हम वेजिटेबल ऐड कर देंगे, गाजर, लौकी, शिमला मिर्च, आप अपनी पसंद की और भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 हींग, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर। इसमें हम लास्ट में 1/2 कप दही ऐड कर रहे हैं। सभी को मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसको दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। जिस कप से हमने सूजी ली थी उसी कप से यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी का यूज किया है। अभी हम इसको 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे ढककर। इसको रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ये हमें गाढ़ा लग रहा है, अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। इससे अब हम अपना स्नैक्स बनाना तैयार करेंगे। यहाँ पर ये मैंने अभी हरी मिर्च और हरा धनिया इसमें नहीं डाला है, अभी हम इसका भी यूज इसमें करेंगे। यहाँ पर ये मैंने तवा रख दिया है गरम होने के लिए, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे। इस स्पैचुला की हेल्प से हम इसे इस तरह से फैला देंगे।
क्योंकि घर में छोटे बच्चे भी होते हैं वो नहीं खा पाते, इसलिए अब हम यहाँ पर ऊपर से इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें मिर्ची इस तरह से ऐड कर लें। और हरा धनिया भी, इस तरह हम साइड से धीरे धीरे इसको निकाल लेंगे। इसके ऊपर से हम हल्का सा ऑयल इस तरह से लगा देंगे, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। ये यहाँ पर सिक कर रेडी हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।